Hello student, in this video we are discussing chapter number 11, biotechnology, the principle and process. Chapter 11, biotechnology, the principle and process. ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब हम समझते हैं तो जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ को और इजी यूजफुल कुछ नई प्रोडक्ट्स हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके बना सके तो उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। बायोटेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बारे में हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमारे एंशियंट टाइम से यानी कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो भी इस मेथड का यूज करते थे। फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो उसकी हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कर्ड, देन चीज, ओके, देन ब्रेवरी, तो ये सारे जो ब्रेवरेज है ये प्रोसेस कैसे होती है। तो कर्ड बनने के लिए हमें यहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए, लैक्टोबैसिलस। चीज बनाने के लिए भी डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लैक्टोबैसिलस, सुडोमोनास, वेरियस स्पीसीज यूज होती है। ब्रेवरीज में भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए ईस्ट चाहिए होती है। तो ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, वो फूड को बनाने के लिए ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। उसी तरह से ये जो चीजें है हमारे एंसेस्टर्स भी इसे यूज करते आ रहे थे, ओके। और आगे हम देखेंगे दूसरी मेथड्स में तो मॉडर्न बायो टेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न बायो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो नॉट ओनली फूड प्रोडक्ट्स एंड बेवरेज, नाउअडेज बहुत सारे मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हो, एंजाइम्स हो, जैसे कि वैक्सीन, देन हॉर्मोन्स और टेस्ट ट्यूब बेबी, जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ को और इजी और हेल्पफुल बना सके, वैसे चीजें आज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बना सकते हैं। तो हम जब अब आपको बायोटेक्नोलॉजी क्या है वो क्लियर है कि टेक्निक्स डिफर टेक्निक्स एंड मेथड्स का हम यूज करें इसके साथ तो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर यूज करके कुछ ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल या हेल्पफुल बना सके। तो बायोटेक्नोलॉजी की जो ये डेफिनेशंस हैं सबसे एक्सेप्टेड यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये एसोसिएशन है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये एसोसिएशन ने एक डेफिनेशन दी है जिसके अंदर हम हमारे ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दोनों इंक्लूडेड है। एज पर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिजम्स, सेल, देयर प्रोडक्ट, देयर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग्स यूज्ड फॉर सर्विस, ओके। तो हमारे इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस यानी कि जो नेचुरल साइंसेस है या फिर जो ऑर्गेनिजम्स है उसका यूज करके उसके सेल को, सेल के अंदर कंपोनेंट्स जो है उसका या फिर उसकी कोई भी प्रोडक्ट का हम यूज करके ह्यूमन के लिए कुछ यूजफुल बेनिफिट बना सके उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। आई थिंक यू क्लियर व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी के
क्वेश्चन का हम प्रिंसिपल स्क्वेयर करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ बायो टेक्नोलॉजी, पहले हमें बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल समझने से पहले हमें दो बेसिक मेथड समझनी होगी कि बायोटेक्नोलॉजी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट टेक्निक्स हम कैसे ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल करते हैं। तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है ये दो टेक्नोलॉजी, दो टेक्निक्स। फर्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अनदर इज केमिकल इंजीनियरिंग। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग मींस जेनेटिक्स यानी कि का क्या होगा, जो ऐसी इंजीनियरिंग विच इज डील विद दी जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो इन जेनेटिक इंजीनियरिंग अल्टरेशन और आप से कह सकते हो चेंज इनटू जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए और आरएनए एंड देन फॉर्म न्यू फिनोटाइप और न्यू मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, न्यू मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ओके, न्यू फिनोटाइप यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसने हमें पहले किया था उसके अंदर कुछ हमने चेंज कर दिया, उसके जीन्स चेंज कर दिए, उसके डीएनए के अंदर कुछ अल्टरेशन कर दिया, जिसका बेसिक था वो पूरा बदल दिया। उसके बाद जब हमसे आगे ग्रो करवाएंगे उसके जो कैरेक्टर्स है जो हम उसे बाहर से देख सकते थे, फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म था जो पहले व्हाइट कलर का था बट हमने उसमें क्या किया, जीनेटिकली अल्टरेशन किया, देन वो हमें कलर अपीयरेंस में ऐसा दिखने लगा, येलोइश दिखने लगा। तो ये क्या हुआ, उसके फेनोटाइप में चेंज। तो ये चीज हम कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स डील विद द जेनेटिक्स, मीन्स डील विद द डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। क्लियर दैट? नाउ नेक्स्ट इज केमिकल इंजीनियरिंग। हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो वैक्सीन्स है, हॉर्मोन्स है या फिर बहुत सारे एंजाइम्स है, इसका प्रोडक्शन हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कर सकते हैं। बट ये सारी चीजें अगर हमें लास्ट स्केल में प्रोडक्शन करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हमने कहा कि ऐसे कोई पहले तो मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स करेंगे जो अच्छे से एंजाइम्स दे या अच्छे से कोई एंटीबायोटिक दे। तो वो मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करेंगे, पहले हमने पसंद तो कर लिया, सबसे अलग कर लिया कि ये हमें अच्छा सा एंजाइम्स या एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करके देने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, उसका एक सिर्फ सब में से इसे अलग करने वाला है और उसका ग्रोथ करवाने वाले हैं और उसके अंदर बाहर से कुछ नहीं आना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस जो है हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो उसे प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए ये केमिकल इंजीनियरिंग मेथड। तो केमिकल इंजीनियरिंग क्या होगा, तो फॉर्म स्टराइल एरिया कैसे, तो केमिकल इंजीनियरिंग, अब उसमें वर्ड ही है केमिकल, तो ऐसे केमिकल्स का यूज करके हम ऐसा एरिया क्रिएट करें जिसमें फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। फॉर एग्जांपल एक लैब ले लो, एक लैब में ऐसा रूम है जिसे हमने स्टराइल किया हुआ है। स्टराइल का मीनिंग पहले समझो, स्टराइल मीन्स एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, वहां पे हमें कुछ भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसी चीज को हम कहेंगे स्टराइल। तो केमिकल इंजीनियरिंग की हेल्प से हम स्टराइल एरिया बनाएंगे यानी कि फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और या तो फिर अनदर वर्ड में कहेंगे एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि हम जो एक बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल ले ले कि हम इकोली को ग्रो कर रहे हैं, जो हमें एक एंजाइम्स दे रहा है, अगर उसकी ग्रोथ में बाहर से कोई दूसरा आ जाता है तो वो क्या होगा, उसके काम को बिगाड़ेगा। तो वो हमारे लिए क्या हुआ, वो हुआ माइक्रोबियल कंटामिनेशन। हमारी प्रोसेस में ऐसे माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं आने चाहिए।
क्योंकि आपको पता है एवरीवेयर एटमॉस्फेयर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्रेजेंट है, उसे रिमूव करने के लिए, दूर करने के लिए हमें केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस यूज करते हैं। ओके, तो इतना क्लियर है आपको। अब आगे हम देखेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी के साथ हम जेनेटिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं उसमें रिप्रोडक्शन की कैसे वो इंपॉर्टेंटली वर्क करता है उसके बारे में बात करेंगे। ओके,